फसल पैदा की थी भोजन के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए, पेट भरने के लिए, जिसको उसने उत्पन्न किया, जिस पौधे की उसने रक्षा की, एक समय आने पर उस पौधे को भी छोड़ना होगा, केवल अन्न अन्न का ग्रहण करना होगा, वही हमारे लिए उपयुक्त है। तो जो मृत्यु का भी सेवन करता है, प्राणों का भी त्याग करता है, प्रिय वस्तुओं का भी त्याग करता है, वो परमात्मा का प्रिय बन पाता है। अब इस विषय को अध्यात्म में घटा करके देखें कि जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता है, अध्यात्म के मार्ग पर कुछ ना कुछ चलता है, कुछ ध्यान उपासना करता है, कुछ प्राणायाम करता है, थोड़ी देर संयम से रहता है, वाणी का संयम करता है, मौन रहता है, अथवा प्रेम पूर्वक बोलता है, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, यह उसकी आध्यात्मिक प्रगति है। प्रगति करे, ब्रह्म का गुण, बढ़ने का गुण उसमें आए, तभी परमात्मा उसे स्वीकार करेगा। लेकिन साथ में उसको क्षत्र का गुण भी अपनाना होगा। क्षत्र का अर्थ हुआ था कि जो रक्षा करता है। किससे रक्षा करनी है? यहां अध्यात्म के विपरीत जो विचार हैं, अध्यात्म के विपरीत जो क्रियाएं हैं, उनसे अपनी रक्षा करनी है। जहां हम परमात्मा की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, ये अध्यात्म का मार्ग हुआ, तो अपनी हमें रक्षा करनी होगी संसार से, संसार के भोगों से। ध्यान उपासना के समय जब हम परमात्मा को ही परम प्रिय मान रहे हैं, तो उस बात की रक्षा इसी में है कि संपूर्ण दिन भी हम परमात्मा को ही परम प्रिय मानते रहें। यदि हमने दिन में अपना व्यवहार सांसारिक पदार्थों को प्रियतम, परम ग्राह्य के रूप में किया, उसको उसी रूप में स्वीकार करते रहे, तो इसका मतलब है हमने उस चीज की रक्षा नहीं की जिसको हमने प्रातःकाल उपासना के समय या साधना के समय बढ़ाया था। जिसको हमने बढ़ाया है उसकी रक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। आज समाज के अंदर एक बड़ा वर्ग मिलेगा जो ध्यान उपासना करता है, कुछ योग की बात करता है, कुछ क्रियाकलाप भी करता है, समय लगाता है उसमें, लेकिन उससे उठने के बाद में, ध्यान उपासना से उठने के बाद में संपूर्ण दिन वो क्या कर रहा है? बहुत से व्यक्ति मिलेंगे जिनका संपूर्ण दिन का व्यवहार सामान्य भौतिकवादी, भोगवादी की तरह दिखाई देगा। जो अच्छे संस्कार प्रातः अपने ऊपर डाले थे, उसकी रक्षा का दिन भर में कोई प्रयास नहीं हो रहा। ऐसे व्यक्ति कहते हैं, आज के जमाने में नहीं करने से तो कुछ करना अच्छा है। दुनिया के सैकड़ों लोगों के उदाहरण बता देंगे कि ये कुछ नहीं करते, धर्म का इनसे कोई संबंध नहीं, कोई आस्तिकता नहीं, उनसे तो हम अच्छे हैं, निश्चित रूप से उनसे हम अच्छे हैं, लेकिन क्या इतने करने मात्र से हम परमात्मा के द्वारा स्वीकार्य हो जाएंगे? क्या परमात्मा हमारे को स्वीकार कर लेगा? एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ बढ़ना चाहता है, वो प्रातः 5 कदम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ता है,
और उसके बाद दिन भर पश्चिम दिशा की तरफ चलता है। 95 कदम पश्चिम दिशा की तरफ चला देता है। एक दूसरा व्यक्ति है जो 100 कदम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ाता है, तो इसकी तुलना में पहले वाला व्यक्ति अच्छा है और संतोष कर सकता है कि देखो ये तो 100 कदम पश्चिम की तरफ बढ़ गया, यानी विपरीत दिशा में चला गया। परमात्मा की तरफ बढ़ने की अपेक्षा और अधिक बंधनों में फंस गया, 100 कदम कर्म बंधन की तरफ बढ़ा दिए इसने। उसकी अपेक्षा तो मैं अच्छा हूं कि 5 कदम मैंने पूर्व दिशा की तरफ बढ़ाए, अध्यात्म के 5 कदम बढ़ाए, लेकिन क्या यह संतोष की बात है? क्या यह प्रसन्न होने की बात है? व्यक्ति चाह तो ये रहा था मैं पूर्व दिशा की तरफ बढ़ूं। दिन भर का कुल परिणाम ये रहा कि वो 95 कदम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो 95 कदम पूर्व दिशा से और दूर हो गया है, अपने लक्ष्य से 95 कदम और दूर हो गया है। इसमें गर्व किस बात का? इसमें संतोष किस बात का? एक नया व्यवसाय करने वाला प्रातःकाल 5 रुपए कमा लेता है और दिन में 95 रुपए का घाटा खाता है। एक दूसरा व्यापार करने वाला है, वो भी नया नया है, वो 100 रुपए का घाटा दिन भर में खाता है। तो हम एक दृष्टि से भले ही कह दें कि पहले वाला अच्छा है और पहले वाला अपने को सोच ले कि मैंने 5 रुपए तो कमाए और इससे संतोष कर ले, तो इन दोनों व्यवसायियों के माता पिता बुजुर्ग दोनों से ही प्रसन्न नहीं होंगे। वो आपस में तुलना करके कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूं तू बुरा है, लेकिन घर वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे। कुल मिलाकर के आप 95 रुपए का घाटा करके आए हो, ये कोई संतोष या प्रसन्नता की बात नहीं है। ऐसा का ऐसा हमारे साथ अध्यात्म में हो रहा है और चिंतन समाज का ये चल रहा है कि हम कुछ कमा रहे हैं। वो 5 रुपए क्या कमा लिए? थोड़ी देर उपासना में क्या बैठ गए? थोड़ी देर मौन में क्या बैठ गए? थोड़ी देर चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने का क्या प्रयास कर लिया कि वो सोचता है मैंने कर लिया और संतोष है कि मैं परमात्मा की तरफ बढ़ रहा हूं। उस व्यवसायी को संतोष है कि मैं कमा रहा हूं, 5 रुपए कमा के 95 रुपए घाटा खा के वो समझ रहा है कि मैं कमा रहा हूं। ऐसा व्यापारी, ऐसा साधक कितना भी करता रहे, वर्षों तक लगा रहे, वो कभी धनवान नहीं हो सकता, वो तो घाटा खा रहा है। एक वो व्यक्ति है जो 10 रुपए कमाए और 10 रुपए का घाटा भी खा जाए। 10 कदम पश्चिम की तरफ बढ़ जाए, 10 कदम पूर्व की तरफ बढ़ जाए, और एक वो व्यक्ति है ना एक कदम पूर्व की तरफ बढ़े ना एक कदम पश्चिम की तरफ बढ़े, ना तो 10 रुपए कमाए ना 10 रुपए का घाटा खाए। तो चाहे हम 10 कमा करके 10 का घाटा खाएं अथवा ना 10 कमाए ना 10 का घाटा खाएं, दोनों बराबर ही हैं। इसके विपरीत जिसने घाटा खाया उसने मेहनत समय भी लगा लिया। जो 10 कदम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ा और 10 कदम फिर पश्चिम दिशा की तरफ चल दिया, उसका समय श्रम उसमें लग गया। इससे तो वो व्यक्ति अच्छा था जो कम से कम स्थिर बैठा हुआ था, कम से कम विपरीत दिशा में कदम नहीं बढ़ रहा जिसका। तो परमात्मा की तरफ जो बढ़ता है, ब्रह्म शक्ति से युक्त है, उसके साथ साथ उसको क्षत्र शक्ति भी लेनी होगी। अपनी रक्षा करना, अपना पालन करना भी उसको आवश्यक है।
जिन संस्कारों भावनाओं को उसने उपासना काल में बनाया है उसकी रक्षा करना उसके लिए दिन भर आवश्यक है। अब इस कसौटी पर हम कसके देखें कि कितने साधक, कितने धार्मिक, जिनको हम साधक मानते हैं, जिनको हम धार्मिक मानते हैं, ऐसे में कितने हैं जो परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जहां आध्यात्मिक संपत्ति की वृद्धि आवश्यक है वहां अपने को बचाना, अपनी रक्षा करना भी आवश्यक है, बल्कि अधिक आवश्यक है। जो 95 रुपए का घाटा खा रहा है, 5 रुपए कमा रहा है, उसको उसके परिजन बुजुर्ग लोग पहली सलाह क्या देंगे, पहले तो ये घाटा खाना बंद करो, घाटे को बंद करो। तो अपनी रक्षा करना, आध्यात्मिक रूप से रक्षा करना जो सीख ले, जो करने लगे, वो परमात्मा का ओदन बनता है। परमात्मा को भोग लगाने की बहुत बात चलती है, तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। जिनको वो परमात्मा मानते हैं, जो व्यक्ति जिसको परमात्मा मानता है उनको तरह तरह के व्यंजन बना के, 36 भोग बना के, अच्छे से अच्छा शुद्ध घी के अंदर बना करके प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदकार भी कह रहा है परमात्मा को भी भोग लग सकता है, परमात्मा को ओदन का भोग लगेगा। अपने को ओदन बनाना होगा, आध्यात्मिक प्रगति करनी होगी और छत्र भाव, रक्षा का भाव भी अपने अंदर लाना होगा। लेकिन परमात्मा के यदि परम प्रिय बनना है, ऐसा भोग लगाना है जिसको कि परमात्मा रुचिपूर्वक खाए, तो ओदन के साथ में चटनी या घी बूरा ऊपर से और मिलाना होगा। और वो क्या है? वो है मृत्यु। अपने को प्राण त्याग करने वाला प्रस्तुत करना होगा। हम जब तक विपत्तियां नहीं आती तब तक बहुत धार्मिक हैं, सत्य भी बोलते हैं, परोपकार भी करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, लेकिन जहां अपने प्राण का संकट खड़ा हो जाए तो सारा धर्म कर्म, सारे आदर्श एक तरफ रह जाते हैं और हम प्राण की पालना के लिए अधर्म को स्वीकार कर लेते हैं। सामान्य स्थिति में धर्म पर चलना अलग बात है और विपरीत स्थिति में भी धर्म पर अडिग रहना एक बहुत अलग और बहुत ऊंची बात है। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे को रुचिपूर्वक स्वीकार करे तो हमको मृत्यु बनना होगा, प्राण को त्याग करने वाला बनना होगा। उस समय जबकि प्राण पर संकट आए और व्यक्ति फिर भी यह निर्णय रखे कि परमात्मा की आज्ञा को ही मैं पालन करूंगा और परमात्मा की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, प्राण त्यागने को वो उद्यत होगा लेकिन परमात्मा की आज्ञा को, धर्म के पालन को त्यागने को उद्यत नहीं होगा। ये वो व्यक्ति है जो मृत्यु रूप में भी अपने को प्रस्तुत कर देता है। यदि ये क्षमता आ गई, ये सामर्थ्य आ गई, तो परमात्मा के लिए हम बड़े रुचिकर हो जाएंगे। परमात्मा के लिए बड़ा रुचिकर भोग हमने प्रस्तुत कर दिया है स्वयं के रूप में। भिन्न भिन्न स्थितियों के अंदर ये संकट आते हैं और जो महापुरुष ऋषि होते हैं वो इस मृत्यु के रूप में, चटनी के रूप में परमात्मा के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, परमात्मा के परम प्रिय बन जाते हैं और वही व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है। तो यमाचार्य कह रहे हैं, यस्य ब्रह्मचक्षत्रम चोभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। अब उपनिषद तो इसी ढंग से चर्चाएं करते हैं
ये प्रश्न कर रहे हैं, क इत्था वेद यत्र सह, कौन ठीक ठीक जान रहा है यत्र सह, जहां वो परमात्मा है। एक तरफ पहले कह दिया गया महंतम विभुम आत्मानम, वो परमात्मा विभु है, सर्वव्यापक है, वो जानते हैं परमात्मा के बारे में, लेकिन फिर प्रश्न कर दिया कैसा कौन जान सकता है जहां वो परमात्मा है। वो परमात्मा कहां है ये नहीं जानते हो ऐसी बात नहीं, वो सर्वव्यापक है वो जानते हैं, लेकिन फिर पूछना है कि परमात्मा कहां है, परमात्मा किसके घर में है, किसके घर में भोग के लिए गया हुआ है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रह्म क्षत्र और मृत्यु इस तीनों रूपों में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हम नहीं जान सकते। ये बड़ी व्यापक भूमि है, न जाने कौन कौन इस साधना में चल रहे हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन परमात्मा वास्तव में वही विद्यमान है जहां इस तरह के व्यक्ति हों, उस व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है और वहां विशेष रूप से उसकी सहायता कर रहा है, इस रूप में वो वहां विद्यमान है। हम जब एक सामान्य वाक्य कहें कि वायु कहां है, हवा कहां है, एक अर्थ है कि हवा सर्वत्र है, भूमि पर सर्वत्र है, लेकिन यदि गर्मी लग रही हो, गर्मी के दिन हो, और तब कोई व्यक्ति कहे कि हवा कहां है, तो कोई ये उत्तर नहीं देगा कि हवा सब जगह है। वहां वो बताएगा जहां हवा चल रही है उस स्थान को बताएगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता गर्मी से पीड़ित है और वो पूछ रहा है हवा कहां है, अर्थात हवा कहां चल रही है। तो परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए भी, बताते हुए भी, जब ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो परमात्मा कहां है ये कौन जानता है, अर्थात परमात्मा अपने गुणों को कहां अधिक प्रकट कर रहा है, परमात्मा कहां अपनी कृपा कर रहा है, वो व्यक्ति कहां कहां है ये कौन जानता है, बड़ा मुश्किल है जानना। यमाचार्य के संकेतों को, बड़े गंभीर संकेतों को, उपदेशों को हम समझ सकें, जीवन के अंदर जहां वृद्धि करें, आध्यात्मिक उन्नति करें, वहां अपनी विपरीत संस्कारों से, अधर्म से रक्षा भी करें, और ऐसा करते हुए यदि प्राण का संकट आए तो प्राण को त्यागने में भी हम तत्पर रहें, इन भावनाओं को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ